Hi friend, this is Taukeer Alam here. Today we are going to learn how to use word remain. Friends, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपका नाम है रंजीत कुमार. आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि word remain का क्या यूज है, यानी हमें इसे कैसे यूज करना है. तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में word remain का यूज देखते हैं. फ्रेंड्स, word remain का यूज हम दो कंडीशन में करते हैं. आइए एक एक करके दोनों कंसेप्ट समझें. सबसे पहले हम वर्ड रिमेन का यूज बचे रहना या बाकी रहने के सेंस में देखेंगे. क्यों? क्योंकि वर्ड रिमेन का यूज बचे रहना या बाकी रहना भी होता है. जैसे फ्रेंड्स, मैंने यहां पर दो एग्जांपल लिखा हुआ है ताकि मैं आपको अच्छा से समझा सकूं. ओनली 5 मिनट्स रिमेन इन द गेम. यहां पर हमने वर्ड रिमेन का यूज किया जिसका मतलब हुआ कि बचता है. इस सेंटेंस का मीनिंग है सिर्फ 5 मिनट्स इस गेम में बचता है, यानी सिर्फ 5 मिनट इस गेम में बाकी है या बचा हुआ है. तो फ्रेंड्स, वर्ड रिमेन का यूज हम तब करते हैं जब हमको कहना हो कि कोई चीज बची हुई है या फिर बाकी है. जैसे ओनली 2 वर्कर्स रिमेन इन द फैक्ट्री व्हेन आई मूव देयर. जब मैं वहां से चला तो फैक्ट्री में सिर्फ 2 वर्कर्स बचे थे, यानी जब मैं वहां से चला तो उस फैक्ट्री में सिर्फ 2 वर्कर्स बाकी थे या 2 वर्कर बचे हुए थे. तो फ्रेंड्स, आपने यहां देखा कि वर्ड रिमेन या वर्ड रिमेन्ड का यूज बचे रहना या बाकी रहने के सेंस में हुआ. फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि पर्स में सिर्फ 10 रुपये बचे हैं तो आप यहां वर्ड बचे रहने के लिए रिमेन का यूज करेंगे. आप कहेंगे ओनली 10 रुपीज हैव रिमेन्ड इन द पर्स. फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि मेरे गांव में सिर्फ 50 लोग बचे हैं तो यहां पर बचे रहने के लिए आप वर्ड रिमेन का यूज करेंगे. आप कहेंगे ओनली 50 पीपल हैव रिमेन्ड इन माई विलेज. फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि सिर्फ 2 कार बचा हुआ है तो आप कहेंगे ओनली 2 कार्स हैव रिमेन्ड. फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो सिर्फ आइसक्रीम बचा या सिर्फ आइसक्रीम बचा था तो आप यहां पर बचे रहने के लिए वर्ड रिमेन का यूज करेंगे. ओनली आइसक्रीम रिमेन्ड. आप यहां रिमेन का पास्ट फॉर्म रिमेन्ड का यूज करेंगे. क्यों? क्योंकि ये बात गुजरी हुई है और गुजरी हुई बात हम सेकेंड फॉर्म की मदद से ट्रांसलेट करते हैं. ये बात मैंने आपको पार्ट 7 में सिखाया. आइए फ्रेंड्स, रिमेन का दूसरा यूज देखते हैं. फ्रेंड्स, वर्ड रिमेन का दूसरा यूज बने रहना या बरकरार रहना के लिए भी किया जाता है. जैसे द सोल्जर्स वर ऑर्डर टू रिमेन एट देयर पोस्ट. फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का मीनिंग है कि सैनिकों को ऑर्डर दिया गया कि वे अपने पोस्ट पर बने रहें या वे अपने पोस्ट पर कायम रहें. तो यहां वर्ड रिमेन से बने रहना या कायम रहना या बरकरार रहने का पता चला. तो फ्रेंड्स, जब हमको कहना हो कि बने रहो, कायम रहो, जारी रहो या बरकरार रहो तो हम वर्ड रिमेन का यूज करते हैं. धोनी रिमेन्ड विद द मैच टिल द लास्ट बॉल. फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का मीनिंग है कि धोनी लास्ट बॉल तक मैच के साथ बना रहा. यह वर्ड रिमेन का यूज बने रहने या बरकरार रहने के लिए हुआ है, यानी इस सेंटेंस से पता चला कि धोनी लास्ट बॉल तक मैच के साथ बरकरार रहा, मैच के साथ बना रहा या मैच के साथ कायम रहा. फ्रेंड्स, यहां एक नया एग्जांपल देखते हैं. द चिल्ड्रन रिमेन्ड साइलेंट. बच्चे चुप रहे. तो फ्रेंड्स, यहां पर वर्ड रिमेन का यूज किसी काम को बरकरार रहने या किसी काम को जारी रखने के सेंस में हुआ है. बच्चे चुप रहे, यानी बच्चों ने चुप्पी कायम रखी, बच्चे चुप रहने का काम बरकरार रखे या बच्चे चुप रहने का काम जारी रखे. तो फ्रेंड्स, वर्ड रिमेन का यूज बने रहना, कायम रहना या जारी रखने के सेंस में करते हैं. शी रिमेन्ड इन लंदन आफ्टर शी फिनिश्ड कॉलेज.
वह अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद लंदन में बनी रही या लंदन में रहना जारी रखी। यानी फ्रेंड्स, यहाँ वर्ड रिमेंड से ये पता चला कि उसके कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बावजूद भी वह लंदन में बनी रही या वह इस जगह पर कायम रही। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वर्ड रिमेन का यूज अच्छा से समझ में आया कि वर्ड रिमेन का यूज हम दो कंडीशन में करते हैं। पहला, जब हमें कहना हो बाकी रहना या बचे रहना, और दूसरा, जब हमें कहना हो कायम रहना, जारी रहना या बने रहना। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके क्वेश्चन पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपका नाम है कुशल रभा। आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि वर्ड सर्च, लुक फॉर, सीक और फाइंड का क्या यूज है, जबकि इन चारों का मतलब तलाश करना या ढूंढना होता है। तो आइए फ्रेंड्स, देखें क्या इन चारों वर्ड्स में कोई फर्क है। अगर है तो आप इनका कैसे यूज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले कि मैं लेसन शुरू करूं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन या डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके डाउट्स पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इन सर्च देयर इज अ आइडिया दैट यू एग्जामिन अ प्लेस केयरफुली इन ऑर्डर टू फाइंड समथिंग और समवन। ऑल्सो इज यूज फॉर लुकिंग फॉर लॉस्ट थिंग। फ्रेंड्स, ढूंढने के लिए वर्ड सर्च का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी जगह को बहुत केयरफुली एग्जामिन करें, यानी तलाश करें किसी चीज को पाने की उम्मीद में। तो इस कंडीशन में हम सर्च का यूज करते हैं। लगता है आप बात समझे नहीं। फ्रेंड्स, इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, वर्ड सर्च का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी ऐसे प्रोडक्ट को ढूंढ रहे हों या किसी ऐसे इंसान की तलाश कर रहे हों जिसे हम पहले से जानते हैं। या मैं ये कह लूं कि वर्ड सर्च का यूज भूली हुई वस्तु या इंसान के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड्स, शी इज सर्चिंग हर मोबाइल इन हर रूम। अब फ्रेंड्स, मैंने यहां यूज किया सर्च, क्यों? क्योंकि वह एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रही है जिसे वो पहले से जानती है, या उसका मोबाइल खो चुका है और वह अपने मोबाइल की तलाश कर रही है। तो फ्रेंड्स, हम वर्ड सर्च का यूज तब करते हैं जब हम ऐसे नाउन की तलाश करें जिसे हम पहले से जानते हों। आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्ड सर्च का यूज हम अपनी ही भूली हुई सामान की तलाश के लिए करते हैं। आई एम सर्चिंग द की ऑफ माई बाइक। अब फ्रेंड्स, यहां मैंने वर्ड सर्च का यूज किया, क्यों? क्योंकि मेरी बाइक की भूल चुकी है या इधर उधर गुम है जिसे मैं पहले से जानता हूं और मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। इसी तरीके से फ्रेंड्स, आप कह सकते हैं दे आर सर्चिंग देयर कार। यहां आप वर्ड सर्च का यूज करेंगे क्योंकि वे लोग अपनी ही भूली हुई प्रोडक्ट की तलाश में हैं, यानी वो एक ऐसे प्रोडक्ट की तलाश में हैं जिसे वो पहले से जानते हैं। फ्रेंड्स, अगर कहना हो कि मैं अपने भाई को ढूंढ रहा हूं तो आप कहेंगे आई एम सर्चिंग माई ब्रदर। आप यहां ढूंढने के लिए वर्ड सर्च का यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे इंसान की तलाश कर रहे हैं जिसे आप पहले से जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको यह कंसेप्ट समझ में आया कि उस तरीके के नाउन जिसे आप पहले से जानते हैं कि तलाश के लिए आप वर्ड सर्च का यूज करेंगे। आइए फ्रेंड्स, यहां एक खास बात आपको बता दें कि ढूंढने के लिए लुक फॉर का भी यूज किया जाता है। तो फिर आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आएगा कि लुक फॉर का यूज क्या है। तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स, सर्च और लुक फॉर दोनों इंटरचेंजेबल हैं, यानी जहां आप सर्च का यूज करते हैं वहीं पर लुक फॉर का यूज किया जाता है। आइए फ्रेंड्स, देखें कि सीक का क्या यूज है। फ्रेंड्स, इन सीक देयर इज आइडिया समथिंग नॉट मटेरियल और फिजिकल ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, वर्ड सीक का यूज ढूंढने या तलाश करने के लिए तब किया जाता है जब हम किसी ऐसे प्रोडक्ट की तलाश कर रहे हैं जो मटेरियल नहीं है,
यानी जो फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि हम वर्ड सीक का यूज तब करते हैं जब हम किसी ऐसी सामान की तलाश कर रहे हों जिसे हम छू नहीं सकते हैं। जैसे आई एम सीकिंग समवन्स हेल्प, मैं किसी की मदद की तलाश कर रहा हूं। अब यहां फ्रेंड्स मैंने कहा कि मैं किसी मदद की तलाश कर रहा हूं। मदद यानी हेल्प एक ऐसा थिंग है जिसे टच नहीं किया जा सकता या छुआ नहीं जा सकता। शी इज सीकिंग अ गुड जॉब, वह एक अच्छे जॉब की तलाश में है या वो एक अच्छा जॉब ढूंढ रही है। यहां वर्ड सीक का यूज हुआ क्यों? क्योंकि जॉब कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है या कोई मटेरियल नहीं है जिसे आप टच कर सकें। ही इज सीकिंग द पीस ऑफ लाइफ, वह लाइफ में सुकून ढूंढ रहा है। फ्रेंड्स अब यहां हम सीक के जगह पर सर्च का यूज नहीं कर सकते, हम यहां सीक का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वह कोई ऐसा थिंग ढूंढ रहा है जिसे वो टच नहीं कर सकता है, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है या जो मटेरियल नहीं है। दे आर सीकिंग अ लीगल एडवाइस, वे लोग एक कानूनी सलाह ढूंढ रहे हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि एडवाइज यानी सलाह को टच नहीं किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि ढूंढने या तलाश करने के लिए वर्ड सीक का यूज आप तब करेंगे जब आप किसी ऐसी चीज को ढूंढ रहे हैं जिसे आप टच नहीं कर सकते, जिसे आप छू नहीं सकते, यानी जो मटेरियल या फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। आइए फ्रेंड्स देखें कि फाइंड का यूज कब किया जाता है। फ्रेंड्स वर्ड फाइंड का यूज तलाश करना या ढूंढने के लिए तब किया जाता है जब हम ये कहना चाहें कि हमने कुछ नया डिस्कवर किया या हमने कुछ नया ढूंढ निकाला, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कोई ऐसी चीज जो आपको पता नहीं है और आपने उसको ढूंढ निकाला या आपने उसकी तलाश की। तो इस तरीके के ढूंढने या तलाश करने के लिए हम वर्ड फाइंड का यूज करते हैं। जैसे आई फाउंड अ लवली होटल इन माई सिटी, सबसे पहले मैं कहूंगा कि फाउंड फाइंड का गुजरा हुआ फॉर्म है यानी सेकेंड फॉर्म है। आई फाउंड अ लवली होटल इन माई सिटी, मैंने अपने शहर में एक अच्छा होटल तलाश किया या एक अच्छा होटल ढूंढा। अब फ्रेंड्स यहाँ वर्ड फाइंड का मतलब ये है कि एक अच्छा होटल जो मेरे शहर में था मुझे पता नहीं था, मैंने इसको ढूंढ निकाला, मैंने इसको डिस्कवर किया यानी मैंने इसकी खोज की। फाइनली शी फाउंड अ गुड कैफे इन द सिटी, आखिरकार वह अपने कस्बे में एक अच्छा कैफे तलाश की। तो फ्रेंड्स यहाँ वर्ड फाउंड का ये सेंस है कि उसके शहर में एक अच्छा कैफे था, उसको इस बात की नॉलेज नहीं थी और उसने उस कैफे की तलाश कर ली या उसे ढूंढ ली। और हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है फ्रेंड्स, एट लास्ट आई फाउंड अ ट्रिक फॉर ट्रांसलेशन हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, आखिरकार मैंने हिंदी वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, मैंने एक ट्रिक तलाश कर लिया या ढूंढ लिया। तो फ्रेंड्स यहाँ वर्ड फाउंड का यूज हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ हमारे कहने का मतलब है कि मैंने यहाँ कोई चीज को डिस्कवर किया या किसी चीज की तलाश किया। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, मैंने एक ट्रिक का तलाश किया जो हिंदी वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए है। तो फ्रेंड्स वर्ड फाइंड का यूज तब करते हैं जब हमको कहना हो कि हम कोई ऐसी चीज की तलाश में हैं जिसे हम पहले से नहीं जानते हैं, या हम किसी चीज को पहली बार तलाश किए या ढूंढ निकाले। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको ये सभी वर्ड्स का यूज शानदार तरीके से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलना। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए।